आज एक सिंपल सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जैसा आप देख ही रहे हो मैंने पहले लिख लिया है। चैप्टर का नाम क्या है? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सबसे पहले हम कोर पे जाते हैं और हम ये देखते हैं कि ये चैप्टर जो हम सीखेंगे और पर्पस क्या है, क्योंकि इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना पड़ेगा इस चैप्टर में। अब शेयर कैपिटल की अगर मैं बात करता हूँ, शेयर कैपिटल, अगर जैसे ही मैं बोलता हूँ ना शेयर कैपिटल, तो इसके अंदर दो पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल, एक होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सबसे पहली बात सर, इसमें डिफरेंस क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर को सबसे लास्ट में डिविडेंड मिलता है, सबसे लास्ट में, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इससे पहले मिलता है। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर ना, जब भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखा होगा ना, तो हमेशा आप देखोगे, आप जितने भी क्वेश्चन देखेंगे, 10%, 12%, 15%, इस तरीके से पहले से रेट डिटरमाइन होता है। तो सर प्रेफरेंस शेयर के ऊपर जो हम उसको इंटरेस्ट ना बोल के, क्योंकि शेयर का पार्ट है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? डिविडेंड। तो जो उसको डिविडेंड दिया जाता है पहले से क्या होता है? फिक्स्ड होता है। जबकि इक्विटी शेयर में पहले से डिविडेंड कोई फिक्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, वो लास्ट में मिलता है। इसको ज़्यादा भी मिल सकता है और कम भी, और ऐसा भी होता है कि कई सालों तक इसे डिविडेंड मिले ही ना। अब प्रेफरेंस शेयर के टाइप की बात कर लेते हैं, ये भी काफ़ी टाइप के होते हैं। इसमें से मेनली जो हमें दो टाइप देखना है। अब टाइप अगर मैं बताऊं तो बेसिस है, ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन और ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन। तो रिडम्पशन की बेसिस पे बात करें तो एक होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, एक होता है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब है उसके पैसे लौटाने जरूरी हैं। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है उसके पैसे कभी लौटाएंगे नहीं, उसको हर साल क्या देते रहेंगे हम? सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड। एक होता है हमारा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, एक होता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तो मैं लिख देता हूं, एक कौन सा है हमारा रिडीमेबल। कभी भी एग्जाम में और हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इसका इंपैक्ट नहीं आएगा जो मैं थ्योरी डिस्कस कर रहा हूं। दूसरा हमारा कौन सा है? इररिडीमेबल। एक है हमारा क्यूमुलेटिव, एक है हमारा नॉन क्यूमुलेटिव, लेकिन आपको रियल लाइफ में पता होना चाहिए। एक है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। तो रिडीमेबल, इररिडीमेबल, इररिडीमेबल वाला कॉन्सेप्ट अब हालांकि खत्म हो गया। गवर्नमेंट ने कह दिया है कि आपको प्रेफरेंस शेयर इशू करते हो तो उसको रिडम्पशन करना कंपलसरी है। हर किसी सेक्टर के लिए अलग अलग टेन्योर है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए 30 ईयर दे रखा है, किसी के लिए 20 ईयर, अलग अलग है। हमें थ्योरी वाले पार्ट पे नहीं जाना, आपने कंपनी एंड कंपनसेशन लॉ अगर पढ़ा है पिछले सेमेस्टर में तो वहाँ पे इस पे थ्योरी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे। क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव समझना। अगर मैंने कहा कि 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और हमारे पास प्रेफरेंस शेयर है मान लेते हैं 10,000 का, तो बताइए मुझे कितने रुपए का डिविडेंड देना है? जवाब दीजिए। 10,000 पे 10% मतलब 1,000 रुपए का डिविडेंड देना है। और ये 2000 मान लेते हैं 21 की बात है, और 2021 में कंपनी को हो गया क्या? लॉस। तो कंपनी आपको डिविडेंड नहीं देगी। सेम 2022 में हो गया लॉस, अगेन कंपनी डिविडेंड नहीं देगी लॉस के केस में, क्योंकि लॉस हो गया तो डिविडेंड हम दे कहां से? तीसरे साल में बात करते हैं 2023 में, कंपनी को हो गया प्रॉफिट तो कंपनी डिविडेंड देगी। तो एक सिचुएशन ऐसा होता है कि पिछला जोड़ के भी ले ले, और एक सिचुएशन ऐसा होता है जिसमें पिछला जोड़ के ना ले, सिर्फ करंट ईयर का ले। तो अगर मैं बोलूँगा भाई पिछला जो तुम्हारा बकाया था भूल जाओ, वो नहीं मिलेगा अब तुम्हें, तो उसे बोलेंगे हम नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। लेकिन एक ऐसा है जिसमें तुम्हारे पीछे के भी 2 साल के बाकी हैं, तो 1000 आपके 100 जो 10% है, 1000 3000 हो गए, तो आपको 3000 डिविडेंड दे दिए जाते हैं अगर 2023 में, तो इसे कौन सा प्रेफरेंस शेयर बोलेंगे? क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि इकट्ठा होके हमें प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड मिल जाता है अगर जिस साल ना मिला हो, और नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब जिस साल ना मिला हो उसके डिविडेंड नहीं मिलेंगे। समझ में आई बात? सिंपल सी बात आपकी।
इसके बाद होता है कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल का मतलब होता है कई बार ना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो होता है आपका, उनको लगता है कि अब हमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से छोड़ देना चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में हम उनको ऑप्शन देते हैं। कंपनी ना ऑप्शन देता है, क्या ऑप्शन देता है कि अपने प्रेफरेंस शेयर को आप कन्वर्ट करवा लीजिए इक्विटी में, या ये भी बोल देते हैं आप अपने प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्ट करवा लीजिए डिबेंचर में। तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल होता है कि हम आपके पैसे तो रिटर्न करेंगे ना, चलिए आप पैसे ना लीजिए, इसके बदले अपने शेयर को क्या करवा लीजिए कन्वर्ट। तो हम ये सारी बातें इस चैप्टर में देखेंगे, कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल। अब बात करते हैं सर ये चैप्टर आया क्यों और रिडम्पशन के पीछे क्या रूल है क्या लॉ है, उस रूल और लॉ को देखना होगा। बस सिंपल सा चैप्टर है, बहुत सिंपल है। आपका इश्यू ऑफ कैपिटल जितना बड़ा था तो उतना तो नहीं है खैर ये, और ना ही उतनी क्लासेस मैं लेने वाला हूं और ना ही उतनी क्लासेस आपकी लगेगी इसके अंदर। तो हम बात करें अगर, तो सबसे पहले बोला गया रिडम्पशन का मतलब क्या होता है, पैसा रिटर्न करना, आप उसके पैसे रिटर्न करोगे। लॉ के अंदर एक प्रोविजन होता है जब कभी भी किसी के पैसे रिटर्न करना है तो पहले आप तैयारी करो, पहले आप उसका प्रोविजन बनाओ, पहले उसका आप देखो कि पैसा आएगा कहां से। तो इसके लिए बोला गया आपको जब कभी भी पैसा रिटर्न करोगे तो आपको CRR बनाना होगा। सर ये CRR क्या है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, पूरा लिख देते हैं। आपको बनाना पड़ेगा आप सबसे पहले कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सर कितना बनाना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा 100% ऑफ फेस वैल्यू, 100% ऑफ फेस वैल्यू। यानी आप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम नहीं कर सकते कभी भी अगर आपके CRR में पैसा ना पड़ा हो। कहाँ पे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, पैसा यानी ये इतने बराबर का रिजर्व बना होना चाहिए। अब CRR बनाना है हमें, तो CRR बनाने के लिए आप पैसे कहाँ कहाँ से इंतजाम करोगे। पहले तो रिडीम करने से पहले शर्त क्या है, कंडीशन क्या है कि आपको 100% फेस वैल्यू का CRR बनाना है। सर बनाना भी है तो आप पैसे का इंतजाम कहां से करोगे, तो सोर्स ऑफ CRR कहां कहां से बनाया जा सकता है। नंबर वन जनरल रिजर्व, नंबर टू प्रॉफिट एंड लॉस जिसे हम सरप्लस बोल देते हैं, नंबर थ्री फ्री रिजर्व। इस तीन जगह से हम पैसे निकाल के CRR क्रिएट कर सकते हैं। सर अब ये CRR क्यों क्रिएट कराते हैं, हम एक नॉर्मल बैलेंस शीट बना लेते हैं, जो बैलेंस शीट हमने स्टार्टिंग से देखा है और हमें पता भी है, नॉर्मल सा बैलेंस शीट। आपको पता है कि यहां पे हम क्या लिखते हैं, शेयर कैपिटल। मान लेते हैं मैंने लिखा इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख का, और मैंने लिखा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख का, और यहाँ पे लिख दिया मैंने एसेट मान लेते हैं 20 लाख का, और यहाँ लिख दिया हमने क्रेडिटर मान लेते हैं 12 लाख का। अब इस कंपनी का अगर मैं पूछूँ ना आपसे, तो बताओ ये कंपनी का मतलब क्या स्टेट है, ये कंपनी कैसा लगता है देखने में, इस कंपनी का जो सिचुएशन है वो बढ़िया कंपनी है या बेकार कंपनी है, गुड या बैड पूछूँ तो। तो यहाँ पे देखा जाए तो लाइबिलिटी के सिचुएशन ज़्यादा है और मालिक का पैसा कम है। अब कंपनी बनाता कौन है, ओनर। अगर ओनर ही अपना पैसा डालने को तैयार नहीं हो रहा तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है इस कंपनी में, है ना। तो यहाँ टोटल तो 20 लाख आ गया। अब मालिक ने क्या करा, अपने प्रेफरेंस शेयर को भी वापस रिडीम कर लिया। तो अब प्रेफरेंस शेयर जब रिडीम हो गया है तब तो अब ये बढ़ जाएगा, मान लेते हैं क्रेडिटर सपोज करो मैं कर देता हूं यहां पे 15, तब तो और बुरी स्थिति हो गई और भी सिचुएशन क्या हो गया बैड। मान लेते हैं मालिक ने क्या करा, इक्विटी भी बायबैक कर लिया, पॉसिबल है ऐसा करना, और वो कितना कर लिया पूरे 5 लाख। तो अब पता चला क्रेडिटर हो गया 20 लाख, बिना मालिक के कंपनी चलने लग गया, ये तो कोई कैपिटल ही नहीं है।
क्योंकि कैपिटल, क्या इक्विटी शेयर को बायबैक किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, आगे चैप्टर भी है, पढ़ेंगे भी। इसको भी रिडीम कर लिया, अब बचा क्या? सिर्फ अकेला बेचारा क्रेडिटर और एसेट्स, ये दोनों लड़ते रहेंगे। मालिक कौन है ही नहीं, मालिक ने क्या करा अपना सारा पैसा। तो लॉ जब बनाया जा रहा था तो लॉ के अंदर स्ट्रिक्टली बोला गया कि जब ऑनर ने जो कैपिटल लगा दिया ना, आप इसे कम नहीं कर सकते। लॉ ये बनाया गया, इसको आपको कम नहीं करने देंगे। कम करने का नतीजा अभी दिखाया मैंने, यानी जो भी कैपिटल आपका यहां पे इशूड है उसे रिड्यूस नहीं करने देंगे। तो सर ये चैप्टर क्यों बना रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर? उसने बोला आप कम करना चाहते हो, इतना ज्यादा रिक्वेस्ट गया उनके पास कि सर कम करने दो प्लीज। तो गवर्नमेंट एक अपना दिमाग लगाया, उसने बोला आप कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाओ और कम करो। तो यानी प्रॉफिट में से पैसा कहां उठा के डालना है हमें, और कम कर लो। मान लो प्रेफरेंस शेयर हम रिडीम करना चाहते हैं, करो कम आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है आपका पैसा कहां ट्रांसफर हो गया है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का यूज करने नहीं देंगे। यानी गवर्नमेंट ने यहां से पैसा निकालोगे निकालो, आपसे एक दूसरे जगह पैसा रखवाएंगे, वो कहां रखवा लिया, CRR में। बोला CRR यू कांट यूज, CRR सिर्फ एक ही पर्पस के लिए यूज हो सकता है। देखो कैपिटल रिजर्व अलग चीज है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अलग चीज है। कैपिटल रिजर्व शेयर फोरफीचर वाले में करते थे हम, और इसका नाम क्या है, कैपिटल रिडम्पशन। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व सिर्फ एक ही काम के लिए यूज हो सकता है, बोनस इशू, और दूसरे का नहीं हो सकता। तो सर आपने अगर CRR बनाया है तो घूम फिर के आप बोनस इशू करोगे तो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैपिटल में। यानी गवर्नमेंट थ्री, आप बोलते हो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सर रिडीम कर रहे हैं, करिए, हट गया प्रेफरेंस शेयर, यहां पे क्या क्रिएट हो गया, CRR कितने का, एसेट्स अलग है हमारा और क्रेडिटर अलग है, ये कुछ नहीं चेंज नहीं हुए। अब बोल रहे यार CRR को भी खत्म करो ना, तो बोला ठीक है करो बोनस इशू। इसको खत्म करने के लिए क्या करना होगा, तो यहां से ये हटेगा, बोनस इशू जैसे ही होगा ये पहुंच जाएगा, ठीक है ना। आप बोलते हो सर मैं इक्विटी भी कम करना चाहता हूं, करो इक्विटी कम, कितना कम करना चाहते हो, बोलता मैं 4 लाख कम करूंगा, करो यहां बनाओ पहले क्या और इसे करो 4 लाख, मना थोड़ी कर रहे हैं हम आपको। तो देखो वो कम नहीं हो रहा, उसे चेंज किया जा रहा है, 8 लाख टोटल था ना, कभी 8 बना, कभी 6 बना, कभी 4 बना, लेकिन उसको कम। अब CRR का क्या कर रहे सर, बोनस इशू करो। तो बोनस इशू करोगे तो अगेन ये हटके कहां पहुंच जाएगा, समझ रहे हो बात, लॉजिक आप समझिए कि क्या कहना चाहता है क्वेश्चन में। मैं मान लेता हूं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है कितने हो गए, 2 लाख। तो पहला गवर्नमेंट गवर्नमेंट का आपको मोटिव पता चल रहा है कि ऑनर अपना कैपिटल निकाल के भाग ना जाए, किसी दूसरे को ना फंसा दे। क्योंकि कंपनी के अंदर होता है ना कि आप लोगों ने इतनी मेहनत करके उसमें उधार माल भी दिया है, इसमें डिबेंचर भी लगाया, पैसे लगाए, और ऑनर ही भाग जाए तो आपके पैसे क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। और हाल फिलहाल में आपने देखे होंगे जितने सारे कंपनी पैसे इसी तरीके से लेके भाग गए। तो इसके ऊपर ना रूल काफ़ी स्ट्रिक्ट बना दिया गया। एक पर्सन आया बोला कि मैं CRR नहीं बनाऊंगा तब भी रिडीम करूंगा, तो गवर्नमेंट ने बोला आप रिडीम कर ही नहीं सकते। उसने बोला कि आप क्या चाहते हो, मैं CRR नहीं बनाऊंगा और रिडीम करूंगा। गवर्नमेंट ने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारा ऑब्जेक्टिव एक है, फोकस एक है और सिर्फ ओनली वन है कि इस 8 लाख को हम हिलने नहीं देंगे, चाहे आप जितना मर्जी कोशिश कर लो। बोला मैं CRR नहीं बनाऊंगा, आपको 8 लाख से ही मतलब है ना, मैं एक काम करता हूं 2 लाख का नया इक्विटी इशू करूंगा, लो अब लो CRR नहीं बनाऊंगा। बोला मत बनाओ, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है गवर्नमेंट का कि ये 8 लाख कम नहीं होना चाहिए। उसने बोला मैं 2 लाख के नए शेयर इशू करना चाहता हूं, तो बोला ठीक है फिर तो इसे आप रिडीम करो और ये हो गए ना 8 लाख। हुए नहीं हुए 8 लाख, 2 नए डलते ही 8 हो गए। तो क्या अब CRR की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। तो यानी CRR बनाना जरूरी पड़ भी सकता है, तो कंडीशन है या तो आप फ्रेश इशू कर दो तो CRR नहीं बनाना, अगर आपने CRR बनाया है तो फ्रेश इशू नहीं करना। अब गवर्नमेंट जैसे मान लेते हैं 2 लाख था, मैं एग्जांपल बार बार ले रहा हूं आपको समझ में आना चाहिए, 2 लाख था, एक व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का फ्रेश इशू किया है। फ्रेश इशू कितने किया, फ्रेश इशू का मतलब समझ रहे हो, फ्रेश इशू कितने का किया, 1 लाख रुपए का।
अब वो बोलता है अब सीआरआर बनाना पड़ेगा। आप बताइए उस पर्सन को कितने लाख रुपए का सीआरआर बना लेना चाहिए अपने इस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम करने के लिए, कितने का बना लेना चाहिए? 1 लाख रुपए का। सिंपल सी बात है ना, क्योंकि मैं मेन कॉन्सेप्ट, क्योंकि बैलेंस शीट भी बनाना होगा आगे चल के, तो आपको हेल्प करेगा ये। तो यहां तक आपको बातें क्लियर है? गवर्नमेंट का मोटिव पता है आपको, वो शेयर कैपिटल को रिड्यूस नहीं करना देना चाहता और हमें सीआरआर बनाना है। क्यों सीआरआर बनाना है, लॉजिक पता चल गया हमें, तो हमें सीआरआर बनाना है। सीआरआर बनाने के लिए फंड कहां से यूज करेंगे, ये दे रखा है हमें सोर्सेस। यानी सीआरआर का मतलब क्या है, अपने प्रॉफिट में से, क्योंकि इसके अंदर देखो सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं रखा है, क्योंकि बाहर वालों का पैसा सीआरआर में डाल दोगे ऐसा होने नहीं देंगे हम। इसके बाद देखो सरप्लस रखा है, जनरल रिजर्व रखा है, फ्री रिजर्व रखा है। जनरल रिजर्व किसका, आपका ही पैसा। फ्री रिजर्व किसका, आपका पैसा। पीएनएल किसका, मालिक आपका पैसा। और मालिक आपका पैसा, आपके पैसे को उठा के हम रिजर्व में डाल रहे हैं सीआरआर में, तो इससे मालिक का जो ऑनरशिप है उसके ऊपर कमी नहीं हुई। अब काफी बच्चों में अलग अलग क्वेश्चन भी हो सकता है, तो ये सिंपल है, मैं इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, और उस एग्जाम्पल के हिसाब से पहले तो मैं अपने एग्जाम्पल लेता हूं, फिर बुक के क्वेश्चन पे आ जाएंगे, या मैं डायरेक्ट बुक का ही कर लूंगा। आपने सिर्फ ये वाला पॉइंट नोट करना है कि जी हमारा, या फिर एक और पॉइंट यूज कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूं। आप सिर्फ बताना कितने का सीआरआर बनेगा, यही वाला एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर वन, एग्जाम्पल नंबर वन, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रुपीज 10 लाख का, और कंपनी ने फ्रेश इशू किया रुपीज 3 लाख का, बताइए सीआरआर कितने बनेंगे। सीआरआर कर दी, अब सीआरआर ना एक ना इकोनॉमिक्स में भी वर्ड यूज होता है, कैश रिजर्व रेशो, वो नहीं है, कुछ बच्चे इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं वो नहीं है, ये है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है ना। तो सीआरआर बताइए कितने का बनेगा, सभी बताएं कितने का बनेगा। सही जवाब है इसका आंसर 7 लाख, समझ में आया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल मान लेते हैं हमारा 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है रुपीज 1 लाख, और रिडीम एट 10% प्रीमियम, यानी हम उसके पैसे जो लौटाएंगे ना वो 1 लाख के बदले 1,10,000 लौटाने वाले हैं, समझ रहे हो बात को। अब बताइए मुझे सीआरआर कितना बनाना चाहिए, फ्रेश इशू किया ही नहीं, 1 लाख या 1,10,000, कितना बनाना चाहिए आंसर। तो आंसर है इसका 1 लाख। क्यों सर, क्योंकि देखो मैंने लिखा ना लाइन, देखो मैंने पहले ही लिखा, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम की चिंता नहीं है, हमें सिर्फ चिंता है फेस वैल्यू को बचाने की। और बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल कभी भी प्रीमियम के साथ नहीं लिखा जाता, हमेशा क्या लिखा जाता है, फेस वैल्यू लिखा जाता है। कभी भी चेक करना, किसी कंपनी का देखोगे ना 100 करोड़ का कैपिटल है तो फेस वैल्यू है, असली में तो पता नहीं कितने का होगा वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3, मान लेते हैं मेरा 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है रुपीस 1.5 लाख, और रिडीम करेंगे एट 10% प्रीमियम पे, ठीक है, यानी 1.5 लाख के बजाय मुझे कितने रिटर्न करने होंगे, 10% और जोड़ देंगे 15,000, तो 165। फ्रेश इशू किया मैंने रुपीस 1 लाख एट 10% प्रीमियम, मैंने जो शेयर बेचा भी वो भी प्रीमियम पे बेच दिया मैंने शेयर, ठीक है ना, देने भी प्रीमियम पे हैं और बेचा भी प्रीमियम पे। आप बताइए मुझे सीआरआर कितना बना लेना चाहिए, 50,000 या 40,000, कितने बनाएंगे। तो जवाब है सर यहां पे आपको बनाना चाहिए 50,000, क्योंकि प्रीमियम वाले कॉन्सेप्ट को हटाइए, आपको कंपैरिजन किससे करना चाहिए, फेस वैल्यू से, फेस वैल्यू को लेके चलना है पूरे। कहीं कहीं पे हमारे इक्वेशन मेथड भी आएगा तब देखेंगे। यहां तक कोई दिक्कत आपको,
कोई परेशानी इसमें? चलिए मैं एग्जांपल एक और ले लेता हूँ। चलो वो एग्जांपल तो इररेलीवेंट हो गया, बुक में दे रखा है कि डिस्काउंट पे इशू किया गया, जबकि आज के टाइम पे डिस्काउंट पे इशू नहीं होता, वो इररेलीवेंट हो गया। ये तीन एग्जांपल इनफ है समझने में सीआरआर कितना बनेगा। तो चलिए इसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, एक बार इसको नोट करिए आप।